नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत साथियों। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही साथियों, जैसे मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड किया था, 27 मार्च 2024 का जो है लेटर समस्त कलेक्टर्स को जो है राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से भेजा गया दोस्तों, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब जो है पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रारंभ किया जाना दोस्तों। पूर्व प्रारंभिक जो कक्षाएँ सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं, 3061 स्कूलों में किया जा रहा है, और पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रारंभ करने की अनुमति जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें दोस्तों नर्सरी, KG1 और KG2 यानी तीन क्लासेस दोस्तों, इनमें एज फैक्टर भी दिया गया, आप देख सकते हैं। इन समस्त जो है चीज़ों के लिए अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली दोस्तों। इसमें प्रदेश के 5 जिले भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर और शहडोल में 1415 विद्यालय KG1 KG2 सत्र 19-20 से संचालित हैं। इनके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ज़िले हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, यहाँ पर जो है 15 जून 2024 से प्रारंभ किया जाना दोस्तों। इसकी पूर्व से तैयारी की जानी दोस्तों। इसके लिए जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 2 पृथक शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, यानी 3000 स्कूल हैं दोस्तों लगभग, तो 2 टीचर के हिसाब से देखा जाए तो 6000 होता है, यानी 6000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें इसमें लिखा है शिक्षकों का चयन करते समय निम्न बिंदु का ध्यान रखना है। आयु 52 वर्ष से कम होनी चाहिए, बच्चों के साथ गतिविधि करने में सक्षम भी हों और रुचि भी रखते हों, पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो, चयन में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी DLED को प्राथमिक जो है प्राथमिकता दी जाए, DLED वालों की भर्ती की जाए दोस्तों। ये जो है यहाँ पर जारी किया गया निर्देश दोस्तों, और यहाँ पर तमाम ज़िले दिए गए दोस्तों, जिसमें सागर, मालवा है, अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडौरी है, जो भी ज़िले, यहाँ पर लिस्ट पूरी टेलीग्राम चैनल महाकौशल क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, ताकि प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट आपको जो है समय समय पर मिल सके साथियों। तो ये नए जो है अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली दोस्तों, और कहीं ना कहीं भविष्य में जो है इन पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती भी की जानी है, और DLED वालों का ही इसमें अधिकार रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा गया है डिप्लोमा वालों को। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए दोस्तों। आज की अपडेट इसी वीडियो पे दोस्तों, नया अपडेट अगले वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।